इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। कोरोना के कहर के बीच दिल्ली का ऑक्सीजन संकट कब खत्म होगा, इस पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुनवाई में दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। दिल्ली सरकार ने सवाल उठाया कि पिछले 8 दिनों में ऑक्सीजन संकट पर केंद्र सरकार ने क्या किया। दिल्ली को 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही है। केंद्र सरकार की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली को पर्याप्त ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, रोजाना करीब 350 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी जा रही है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा, दिल्ली में ग्राउंड पर पैनिक का माहौल है। इस वक्त हमारे साथ इंडिया टीवी संवाददाता गौनिका अरोड़ा जुड़ गई हैं। गौनिका, क्या कुछ और कहा कोर्ट ने इस दौरान? देखिए, ये वही कंटिन्यूशन है उस सुनवाई का जो पिछले कुछ दिनों से दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही है। और अमाइकस क्यूरी राजशेखर राव को कल कोर्ट ने नियुक्त किया था, उनसे ये कहा था कि आप पूरी जानकारी दें कि इस वक्त दिल्ली को कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इस वक्त दिल्ली की जरूरत है, कितना मिल रहा है, ये सारी स्थिति कोर्ट को अमाइकस के द्वारा बताई जाए। और आज राजशेखर राव ने कोर्ट को ये बताया है कि दिल्ली की जो रिक्वायरमेंट है इस वक्त वो करीब 700 मीट्रिक टन की है, लेकिन जो दिल्ली को इस वक्त मिल रहा है वो करीब 470 मीट्रिक टन है, यानी कि जो रिक्वायर्ड इस वक्त दिल्ली की ऑक्सीजन की मात्रा है उससे कम मिल रहा है। जिस पर तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने कोर्ट पे ये रिप्लाई किया है कि दिल्ली को इस वक्त 350 से 370 मीट्रिक टन मिल रहा है और उनके हिसाब से ये सफिशियंट है, लेकिन कोर्ट ने इस पर एतराज जताया है। जैसे ये कहा कि ये सही नहीं है जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं, हम इस पूरे बारे में आप हमें पूरी जानकारी दें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कई ऐसे राज्य हैं जिस तरह की अमाइकस ने ये भी सवाल उठाया कि ये कहा कि कोर्ट को कि मध्य प्रदेश को कोटा से ज्यादा मिल रहा है जबकि दिल्ली में कम मिल रहा है। इस पर अब केंद्र सरकार कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल करेगा और पूरी जानकारी दी जाएगी कि इस वक्त दिल्ली में क्या स्थिति है, केंद्र सरकार कितना दिल्ली को अलॉट कर रहा है और आने वाले दिनों में स्थिति कैसी होगी। दिल्ली सरकार लगातार कोर्ट में ये कह रही है कि उन्हें जितना कोटे की रिक्वायरमेंट है उन्हें उतना कोटा नहीं मिल रहा है, उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो करीब 900 मीट्रिक टन अगले कुछ दिनों में हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में करीब 1200 आईसीयू बेड और 15,000 जो नॉर्मल बेड्स हैं वो लगाए जाने की व्यवस्था की जानी है। ऐसे में ऑक्सीजन की मात्रा अगले कुछ दिनों में और ज्यादा बढ़ सकती है, इसीलिए लगातार उनका कहना है कि केंद्र सरकार से उनकी बातचीत चल रही है और केंद्र सरकार से लगातार वो कह रहे हैं कि उनके कोटे को और ज्यादा बढ़ाया जाए ताकि इस वक्त जो दिल्ली में रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पाए। अभी सुनवाई फिलहाल पूरी हो गई है और क्योंकि ये सुनवाई जो है वो कंटिन्यूशन में हर रोज चल रही है, अब जज इस वक्त कोर्ट में ऑर्डर लिखवा रहे हैं और अभी तमाम जो सबमिशन ने जो कहा कि जितनी सप्लाई चाहिए, जितनी जरूरत है दिल्ली की, उतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है जो केंद्र सरकार की तरफ से आंकड़ा दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद गोनिका आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।